Natalie Hoya Jadi Penu Kapusari. Very good. क्या बात है, क्या बात. कपू मेरा पैसा दो. अरे पहले रैंप वॉक तो कर दो. अभी मैंने क्या किया? सीधा सीधा तो कोई भी कर लेता है. थोड़ा इसके आसपास करना, आओ फटाफट. ये क्या कर रहा है? ये क्या है? अरे तुम्हारे आने से गर्मी हो गई ना, इसलिए आग जला रहा हूँ. आग से और गर्मी होती है ना. अरे एसी चला. लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटती है. तुम रैंप वॉक करो, मैं तुम्हारी साड़ी पकड़ता हूँ. चलो 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 लाल बदमाश आदमी 420 फेरू खोर, तुम मेरे नर्स के साथ शादी कर ले. ओए इतनी तेज के भाग के मेरी आग के ऊपर से निकला, मेरी आग बुझा दी. पहले में आग लगी भी तो बहुत ज्यादा हुई थी ना. जाने दी मेरे को. मैंने मुक्का मारना, सर पे खरगोश रख के आ जाता रोज. वो मेरे लिए मॉडलिंग कर रही थी यार. हैं? एक मिनट सिद्धू साहब. हाँ जी. ऐसे कौन मॉडलिंग कराता राउंड राउंड मॉडल सिद्धू होती है? कोई नहीं कराता. पता नहीं एक लड़की को धोखा देते हो. चलो डार्लिंग आओ. नॉट आजा. इट्स सिस्टर नॉट डार्लिंग. अच्छा मॉडलिंग और फेरे में तेरे को फर्क पता नहीं है, सिस्टर और डार्लिंग में बहुत ज्यादा पता है तेरे को. नाराज मत होइए. एक्चुअली मॉडलिंग. नाराज नहीं, मैं गुस्सा हो रहा हूँ. देखो नाराज और गुस्से में फर्क ही नहीं पता. उसकी बात तो सुन लो पहले. ऐसे कौन बात सुनाता है भाई. एक्चुअली बात ये है कि मॉडलिंग के बदले में कप्पू मेरे लिए साड़ी दे रहे. तो साड़ी तो मेरी दुकान से ले लो ना, वो भी तो है 50-50 साड़ी सेंटर. देखो लॉटरी तो मेरी दुकान की साड़ी पहनो, इससे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी. कैसे? मैं मान जाऊंगा ना. अरे मेरी साड़ी पहनने से रिश्ते जल्दी हो जाते हैं. तो तुम पहनो ना अपनी साड़ी, इसे क्यों पहना रहे हो? चलो बेड नंबर 3 पे पेशेंट लेटा हुआ. चलो Who wants to be here anyways? क्या कहा तुमने? ये लास्ट में क्या कहा? यहाँ रहना बेकार है. सबसे पहला कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा देखना. सबसे पहला मेरे कस्टमर दुकान पे आएगा. एक मिनट. आ गया भाई. तो मैं भी दुकान खोल के बैठा हूँ, मैं कौन सा पजामा खोल के बैठा हूँ? कस्टमर मेरी दुकान पर भी तो आ सकता है. वाह 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 भाई, तेरा पुराने ताले जैसा मुंह, इसका मतलब दुकान खोल के बैठ जाएगा. क्या भाई किससे पूछ के दुकान खोली है तुमने? बाजी मुझे जरूरत क्या है किसी से पूछने की? किससे पूछकर खोली है? मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं. भाई एक बात बताओ, जब हम साड़ियों की दुकान खोल रहे थे तो फिर तुम पेटीकोट की खोल लेते, तुम ब्लाउज की खोल लेते, हमारे में लड़ाई तो नहीं होती ना? सारे साड़ियों की खोल के बैठ गए. अच्छा हाँ, मतलब मेन कोर्स आप और स्टार्टर हम बेचे. आओ डार्लिंग, ये देखो साड़ियों का मार्केट आ गया. इतनी सारी साड़ियों की दुकान, वाओ. कहां से खरीदे बताओ? मैडम इधर आइए, 20% डिस्काउंट है. मैडम इधर आइए, 30% डिस्काउंट है जी. मैडम इधर आइए, 40% डिस्काउंट है. मैडम आइए. मैडम इधर आइए, 50% डिस्काउंट है. मैडम इधर 90% डिस्काउंट. मैं चपेट मारने में 90% डिस्काउंट है. 90% डिस्काउंट हो गया, अब तो खरीद ही लो, क्या खड़े हो? अरे कुछ देर और रुक जाओ, 100% हो जाएगा, फ्री पे लेके जाएंगे. ऑफर खत्म, मरो अब, खत्म ही हो गया. भाभी आप इधर से लीजिए ना साड़ी. ये तेरी भाभी कहाँ से हो गई बे? ये है ये ऐसा बदतमीज, हर किसी से रिश्ता जोड़ लेता. आओ जानू तुम इधर से साड़ी. जानू किसकी जानू, क्या जानू? भाई साहब ये हैं दोनों ही बदतमीज, मैं बता रहा हूँ. एकदम जानू भाभी, आप हमारी दुकान से साड़ी ले. क्या लगा रखा है? एक मिनट, आपकी माँ की आपकी बहन की पहली पसंद कप्पू साड़ी, देश की साड़ी. आपके देश की साड़ी है तो हमारी क्या बांग्लादेश की साड़ी है? भाई अकेले तुम्हारे देश की साड़ी कैसे हो गई भाई? हैं क्यों? एक मिनट मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे साड़ी किससे खरीदनी है. देखो मैडम शादी का डिसीजन आपने पहले गलत ले लिया है, तो साड़ी का डिसीजन हम लोग को लेने दो आप. तुम तीनों की ना दुकान खरीद सकता हूँ मैं. आई एम बिल्डर यार. बिल्डर है तो दिख ही रहा, जितना एरिया आपने घेरा ना इधर IPL हो सकता है. ओह माय गॉड, ये साड़ी वाला कितना
फनी है, हाउ क्यूट। फनी नहीं, इसे बदतमीज कहते हैं। वो दूसरे शो वाले हैं। और खैर आप इन्हें छोड़िए, आप मेरी दुकान पे साड़ी लीजिए। आज ही मैंने दुबई से गर्मा गर्म साड़ी मंगाई है। ए, 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 दुबई में साड़ी कौन पहनता है बे? नहीं पहनते, इसलिए तो इधर आकर बेच रहा हूँ मैं। एक मिनट इधर आइए, इधर आइए, इधर आप देखिए, ये साड़ी देखिए, एकदम बनारसी साड़ी है हमारे पास। वाओ, बनारसी साड़ी? हाँ जी। हाय हाय, हमें कैसे समझ में आ गया ये बनारसी साड़ी है? लेकिन बनारसी पान का दाग लगा हुआ है देखिए। इसका मतलब बनारसी पान दाग लगा, इसका मतलब बंगाली साड़ी के अंदर के रसगुल्ले का रस लगा होगा। वाह, ये गुलाब जामुन कितनी रसगुल्ले की चिंता आ रही है। मैडम ये साड़ी लीजिए, इधर आइए। ये साड़ी ऐसी खतरनाक साड़ी है, इसको पहन के मैरी कॉम बॉक्सर बन गई थी, आपको पता है? आप बॉक्सिंग करेंगी, आपके घर में बॉक्सिंग बैग भी है। ए, 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 ए। यार कोई ऐसी वैसी साड़ी मत दिखाओ, कोई अच्छी साड़ी दिखाओ, हम बिल्डर हैं भाई, ऊंचे ऊंचे लोगों में उठना बैठना है हमारा। तो साड़ी में क्या लिफ्ट लगा रहे हैं? यार तेरी इस बात के लिए ना तेरे मुंह में सीमेंट ठूस के हमेशा के लिए तेरा मुंह जाम कर सकता हूँ। लिफ्ट लगती है साड़ी में? तो यार मेरी बात सुनिए, आपको मैं बहुत बढ़िया असम की पत्तियों की गर्मा गर्म साड़ी दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? यार ये आदमी वैसे चाय वाई की साड़ी क्या बेच रहा है? मतलब तुम साड़ी वाले हो क्या चाय वाले हो? ये चाय वाले है जी, इसकी बीवी मायके गई हुई है, उसी की साड़ियां बेच रहा है। इसका मतलब पहनी हुई साड़ी पहनाओगे मुझे? तो जो बेचने के बाद भी तो पहननी है। चाय वाले हो ना, जाके दो कप चाय लेकर आओ। मेरे लिए तीन कप लेके आ। हट, मेरे लिए चार कप लेके आ। चाय अच्छी लगी तो ही साड़ी खरीदेंगे। हाँ, ब्लाउज जैसा मुंह साड़ी की दुकान खोल के बैठ जाते। ठीक है मैं लेकर आता हूँ चाय, फिर मलाई मार के पैरासिटामोल रख ले। देखिए गुस्सा मत होइए, मेरी साड़ी पे एक ऑफर है, आप एक साड़ी लेंगे मैडम, दो रात और तीन दिन के लिए गोवा का ऑफर है आपको। डार्लिंग, इन्हीं से साड़ी खरीदते फिर हम गोवा चलेंगे। नहीं नहीं, फिर गोवा मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। ए छेड़ेलाल, इसका तो काम ही जी छेड़ना है, आप चाहे ना तो मुझसे साड़ी किस्तों पे ले सकते हैं। अच्छा ये अच्छा है, मतलब साड़ी अभी खरीदी और हम महीने दर महीने आपको धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं। नहीं नहीं, पैसे अभी दीजिए, साड़ी हम आपको किस्तों में देंगे। ये देखिए, मुन्नी बदनाम हुई, उसमें सारी साड़ी हम मेरी दुकान से गई थी। एक मिनट, लेकिन मुन्नी ने तो साड़ी पहनी नहीं थी, तभी बदनाम हुई ना। एक मिनट एक मिनट, ये देखिए, आपको पता है हम आपके यहाँ में माधुरी दीक्षित ने साड़ी पहनी थी, हमारे यहाँ की साड़ी थी वो, सलमान खान ने गुलेल मारी थी, हमारी साड़ी ना होती ना तो नील पड़ जाता। लेकिन सलमान खान ने तो फूल मारा था, मैंने देखा है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने फूल मारा था। हाँ। तो माधुरी दीक्षित ने कहा था आहा। आप हैं बिल्डर, आप फूल तो मारेंगे नहीं, आप तो सीमेंट की ईंट मारेंगे, तो आपकी बीवी कहेगी आई 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 आई। पुलिस, ये क्या हो रहा है इधर भी? पुलिस पुलिस आ गई। हो क्या रहा है इधर? कपिल शर्मा शो। ये जो दुकानें हैं तुमने साड़ी की खोली हुई है, किसको पूछकर खोली है? बंद करेंगे। एक मिनट, लेकिन आप ये दुकान कैसे बंद करवा सकते हैं? कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। सारी दुकानें बंद हो जाएगी तो हम साड़ी कहाँ से खरीदेंगे डार्लिंग? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप साड़ी वहां से खरीदें। देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ी लगाई उसने, मीठी मीठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पुलिस वाले की आड़ में साड़ी बेच रहे हैं? Shut up! You shut up! ये देखो, ये shut up क्या होता है अभी? Shut up के बीच में जब चांटा भी मिल जाता ना तो उसे shut up कहते हैं। तुम पुलिस वाले को चांटा मारोगे? नहीं, हम चाय वाले को मारेंगे। चाय वाला? चाय वाला है कहाँ? मैं बुलाता हूँ अभी। चंदू दो चाय लाना। अभी लाया। अभी जी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारी पालनहार बन के आई हैं। हाँ जी, शेर नहीं कोई आ रहा, क्या हुआ? अरे किसी की जुल्फ को बादल, किसी की आंखों को सागर कहते हो, किसी के सूखे हुए गालों को लाल टमाटर कहते हो। अरे कब तक दूसरी हसीनाओं के हुस्न के कसीदे पढ़ोगे जनाब? कभी इधर भी देखो, कभी इधर भी तारीफ करो, क्यों डरे डरे से लेते हो? हाँ जी, नाउ
जनता जानना चाहती है, डू यू हैव एनी शेयर फॉर आरा? प्लीज प्लीज देखो जी, सारे फूल खत्म हो गए, सारे पत्ते सूख गए, सारी फूल सब्जियां खत्म हो गई। देखो जी बात ये है, बाहर चली गई। ओ तो चुप कर, सुनते सही। देखो जी, बंदा चाहे शेर हो जाए, चाहे सवा शेर हो जाए, चाहे बब्बर शेर हो जाए, लेकिन बब्बर शेरों की सवारी तो दुर्गा ही करती। अच्छा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा भाभी जी, दूसरी हिरण आती है ना तो आपकी आंखें ये वो, आज बड़ा धार्मिक सी बात कर दी आपने। वो मेरे समय पे ना, जब मैं कमरे में जाऊं तो पता नहीं क्या कुछ मजे में बैठे होते हैं, मैं कमरे में जाऊं मेरा ध्यान का टाइम हो गया। देखो भाई, जिनके पास है सिद्धू साहब की चाबी वो हमारी आदरणीय भाभी, और चली क्वाक कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं, जो समुंदर में भी जाके बना दे परांठे उसे सिद्धू साहब कहते हैं। ठोको वाली। अभी जी, ये सारी लड़कियां हैं मुझसे इंप्रेस। ये मेरा अमृतसर का एड्रेस, ये मेरा दिल्ली का एड्रेस, ये मेरा जलंधर का एड्रेस, ये मेरा मुंबई का एड्रेस। ईमेल करना भाई, ठोको ठोको ठोको। अच्छा भाभी, एक बात आपने कभी नोटिस किया होगा, सिद्धू भाजी के फ्रेम के पीछे, सिद्धू भाजी के सोफा के पीछे हमेशा 8-10 लड़कियां रहती हैं। इनसे पूछ रहा क्यों रहती हैं? क्यों रहती हैं? क्योंकि कपिल ने देखनी होती। वैसे इनको तो दिखती नहीं। मैंने हजार बार, मुझे तो दिखती नहीं। टीवी पे देखते हो ना, जब ब्रेक होता है तो बीच में जब ये सोफा घुमा लेते हैं, आपको पता है नीचे टायर है, पूरा घूम जाता है सोफा ऐसे। देखो ये देखो ऐसे ऐसे, जब सिद्धू भाजी बहुत ज्यादा हंसते हैं ना तो गिर जाते हैं। अच्छा भाभी, अक्सर ना पत्नियों को शिकायत रहती है कि मेरे पति जो है मुझे टाइम नहीं देते, जिनके पति एक एक काम भी करते हैं उन्हीं को शिकायत रहती है कि चलो किसी दिन छुट्टी लेके हॉलीडे मनाने चले, पाजी तो वैसे ही इतने बिजी हैं, और मुझे लगता है कि जितने काम ये करते हैं अगर कहीं छुट्टी भी होती होगी तो वो दिन तो सारा पैसे गिनने में निकल जाता होगा। तो यहाँ पे जितनी भी पत्नियां बैठी हैं, किनको ये लगता है कि उनके पति उनको टाइम नहीं देते? बाद में मैं पतियों की राय भी जानना चाहूंगा। बहन जिनको लगता है, अच्छा भाई साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा हाँ, कपिल शर्मा, नमस्ते नमस्ते। ये बड़ा मजा आया, पूरा नाम लिया किसी ने, द कपिल शर्मा शो, नमस्ते। तो जो ये बोलते हैं कि ये लोगों की ये समस्या है, तो मेरी तो बीबी की कोई समस्या नहीं है। ऐसी ऐसे क्यों कहते हैं? समस्या नहीं मेरी बीबी की कोई। जिसका पति बाहर रहता है, विदेश रहता है, या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग को टाइम नहीं है जी। मेरे को तो बहुत टाइम है। आप क्या करते हैं? मैं योगा क्लास चलाता हूँ, तो 2 घंटे के अंदर योगा करा के वापस घर पे आ जाता हूँ। तो आपको अपने पति देव से कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक? अभी ये बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत टाइम देती हूँ, तो ये बताओ कि घर चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, इतना टाइम भी क्या काम का, ये बताओ। कमाई भी तो चाहिए, ये बताओ। अगर पूरा ही टाइम देंगे तो घर कैसे चलेगा? तो जिनको योगा कराते हैं वो पैसे नहीं देते? उसमें क्या मिलता है? बोलते हैं 2 घंटा जाता हूँ, उसमें क्या पैसा आता है? आप भी सोचिए। तो भाई साहब, मैंने पहली लेडी देखी है जिनको ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा टाइम दे रहा है। पैसा बड़ी चीज है क्या, प्यार बड़ी चीज है? नहीं नहीं, पैसा होता है जर, जर है तो नर है, वरना पंछी बेपार है। ऐसा भी पैसा क्या, ऐसा भी पैसा क्या काम का जो बीबी को टाइम ही नहीं देता है? अच्छा, आपने इतना टाइम देते हैं बीबी को, बच्चे थे आपके 20-25 होंगे फिर। पर बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करके सर। आसिद भाई जी ऊंट फाड़ के नीचे आए, बिल्कुल आ गए। मतलब आप मुझे ऊंट कह रही हैं? नहीं नहीं नहीं, आप सबको कुछ भी बोलते रहते हैं। आज ऊंट आया पहाड़ के नीचे।
मतलब मेरी बीवी को पहाड़ और मुझे ऊंट कह रही है आप? माफ कीजिएगा, इन्होंने हमसे खुद कहा था क्या कि ओ गुरु मोहतरमा, हम शूटिंग खत्म करके आएंगे, फिर हम दोनों पुराने किले जाकर बारिश में बुट्टे खाएंगे। भूल गए आप साहेब आलम? झूठ है सब। साहेब आलम, आपकी मोहब्बत में इस दिल को मुरब्बा बना देंगे, आप थोड़ा सा प्यार तो दीजिए, आपको अब्बा बना देंगे। बेगम साहिबा, मेरी बात सुने आप। आप उस प्लॉट पे कब्जा करने का क्यों सोच रही हैं जिनकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है? इनसे मिलिए, ये है मिसेज नवजोत सिंह सिद्धू। लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ये है गुनाह अज़ीम, बेमुरव्वत, बेवफा, बेगाने, आप शादीशुदा हैं। शी, फिर रोज सुबह 3 बजे आप हमें SMS क्यों करते थे? लल्ला, कौन सा है SMS चेकर? बिल्कुल, मुझे 3 बजे मैं कभी उठता ही नहीं हूँ, मैं तो SMS कैसे करूँ? SMS करना ही नहीं आता। अच्छा, ये तो मुझे लंच पर भी ले गए थे। जी हाँ ख्वातीन और हजरात, ये हमें लंच पर ले गए थे, खाना खत्म करके मुझसे कहते, ओ गुरु बेगम, मैं हूँ तेरा जानू, तू मेरी दिलबर, ठोस ठोस के खा लिया, चल अब तू बिल भर। आंखों को शराब करके तो देखो, होठों को गुलाब करके तो देखो, इस खंडर में भी आएगा आपको ताजमहल का मजा, बस एक बार नियत खराब करके तो देखो। तो भाभी, आप कहाँ पहली बार दर्शन कहाँ से हुए थे आपको? मैं तो जब आती थी कॉलेज से, आई वाज स्टार्टिंग MBBS, पढ़ाई कर रही थी, तो कॉलेज में दोपहर को जब छुट्टी होनी, तो मुझे लगना जब मैं घर एंटर करती हूँ ना, तो एक परमानेंट सा शख्स कोई देख रहा है, तो मतलब मेरे बिल्कुल घर के सामने एक वो था, परमानेंट सा शख्स का क्या मतलब है तेरा? वो मतलब एक ही शख्स रोज रोज आता है, रोज रोज एक ही मतलब परमानेंट बंदा, पिकअप चिक था रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में अलग अलग लोग होते हैं ना जी, तो तुम्हें लगा कि नहीं यार एक बंदा रोज ही खड़ा है, ये दोपहर को कोई गड़बड़ है। दोपहर को पिकअप चिक होता था, वहाँ चिकन मिलते थे, तो मैंने सारे पटियाले को चिकन खिला दिया वहां जाके, लेकिन मैं खड़ा रहता था सामने। तो वो क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि मुझे लगाव हो गया था इसको देखते ही, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। फिर दोपहर के टाइम फिर और ये मानी नहीं, ये मानती नहीं थी, मतलब मेरे को, मैं देखता रहता था ऐसे करके, जैसे इसने मुझे देखना इसने परे कर लिया। फिर ये ना सामने बाग में से निकलती थी, तो मैं रोज प्रैक्टिस छोड़ के उस बाग में खड़ा हो जाता था। ये जैसे ही वहां से निकलती थी, मैं इसके साथ साथ, इसकी एक सहेली भी थी, उसका नाम क्या था? पूरा याद है आपको? है? हाँ, ले। पूरे यार अपनी घरवाली को भूल जाएगा बंदा, क्या बात कर रहा है? बड़े महीने लगे, बहुत महीने लगे ना, ये थोड़े दिनों की बात नहीं थी। तो आपको पता चल चुका था कि ये मेरे पीछे आते हैं? हाँ, अच्छी तरह से। मैं जाता जाता यस यस करता था, यस यस, ये कहती नो नो, इसकी सहेली मेरे पीछे पड़ जाती थी, पर मैंने पीछे छोड़ा नहीं। फिर एंड में, आखिर में, ये मतलब वो बात अलग है कैसे मानी, वो समुड़ी में घूमड़ी है, लेकिन मान ली। अच्छा भाभी, जो जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं वो बड़ा फोकस्ड होते हैं, तो फिर भी मतलब आप पाजी जब पीछे पीछे आते थे ना, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती थी, मैं कह ये पता नहीं क्या वेला बंदा, क्या मेरे पीछे पड़ गया। इसको काम ही है नहीं कोई, मतलब तुम तो पढ़ाई करते हो, और डॉक्टर्स का ना बड़ा नेचुरल होता है कि तुम यही सोचते हो कि डॉक्टर का डॉक्टर से शादी होगी जी, तो मुझे और इरिटेशन हो कि ये तो पढ़ाई का पंगा है ना, बंदा इतनी पढ़ाई है वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से ये बंदा रोज सुबह शाम मेरा जानकार है। कभी मैं रास्ते बदलूं, वो स्कूटर की पहचान हो गई, वो स्कूटर का भी जब मैं अंदर आती थी वो गुस्सा मुझे चढ़ता था, मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, गाड़ी खड़ी थी देते नहीं थे, कहते जब तक MBBS पूरी नहीं करोगे तो स्कूटर पे जाना पड़ेगा, तो ऊपर से परेशानी और ऊपर से ये मेरे पीछे पीछे, तो आते जाते बाहर, तो मतलब मैं ना इसके प्यार के लिए तरसता ही रहा हूं हमेशा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये कौन सा रूप है आज? मैं आप सबको बता दूं कि सिद्धू साहब की बेटी जो है राबिया सिद्धू, वो भी यहाँ पे मौजूद है। राबिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिद्धू पाजी के बचपन के फ्रेंड है बन्नी पाजी। बन्नी पाजी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ आपकी कितनी हेल्प थी
इन दोनों का रिश्ता करवाने में? इनको शुरू में जो आपको इन्होंने बात बताई है कि पिक चिक पे ये हम चिकन खाते थे जी, तो हमें तो इसने इतने चिकन खिलाए हैं कि हमारा जो बॉडी ऑर्डर था ना वो भी चिकन वाला ही हो गया था। तो बस पंख खाने रह गए थे। तो ऐसी इनकी कोर्टशिप थी, वो नाना हो रही थी इधर, हाँ ये इसकी मुंडी ऐसे थी, उसकी मुंडी ऐसे थी, तब काफी मुश्किल रहा काम। मुश्किल रहा जी काम। अरे बेस्मार्ट है, पहले तो पटाने में चलो इतना टाइम, जब मैं हाँ कर गई उसके बाद साल भी बीत गया, उसके बाद कहते मैं ना जन्म पत्र ही दिखानी है, वो मिलेगी तो शादी होगी। मैं तो बड़ा कमाल का बंदा है। मैं क्या, नाउ यू हैड इट, मैं क्या, अब तो पत्र ही मिले ना मिले, शादी तो करानी। बाद में मिलाई थी पाजी अपने पत्र की? नहीं मिलाई, मिलाई मिलाई, 36 गुण मिलते थे। राबिया आप एक बात बताओ, कभी पापा आपको शॉपिंग वॉकिंग करवाने लेके जाते हैं? नहीं नहीं, पता क्या होता है, जब ये मेडिटेट कर रहे होते हैं ना तो इनको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है, तो अलाउड तो है नहीं कोई इनके कमरे में मेरे सिवाय। तो मेडिटेट कर रहे होते हैं, मैं चुपचाप जाती हूँ, पर्स से क्रेडिट कार्ड निकालती हूँ, ये मेडिटेट ही कर रहे होते, चुपचाप वापस डाल देती हूँ, इनको पता नहीं, तभी मैं शो में बता रही हूँ। अब पता लगा मुझे वो कार्ड का बिल इतना क्यों आता है, कसम से कह रहा हूँ। मैंने पूछा, मुझे तभी बताया खान मार्केट में कोई, आप मेडिट ध्यान ही कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि इधर कोई और ध्यान दे गया, कसम से। और कई बार ना मैंने इसको एक बार रोका, मैंने इसको एक बार रोका, मैं कहा रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, ये पक्की बात है। अब यार माँ बाप को होता ही है, 10:30 बजे मैंने सारा कुछ लॉक करवा दिया, 10:30 बजे मेरी खिड़की से निकल के 1 बजे मेरी खिड़की से पार्टी करके वापस आ गया। पूरी ड्रामा क्वीन। आपको पता है सिद्धू भाजी ना, उधर तू तो नाली चिमड़ गई, उधर थोड़ा देखा भी आई पे। देखो अब ना, अब तो बोलती इतनी है जी। तो जब मेरी शादी हुई ना जी, तो तब मेरी कजन वगैरह सारी तो बड़ी मोस्टली ना ये चलो तो आनंद हो, कोई बात नहीं, ओए ठहर जाओ, ये बता ना, बाकी बता, बाकी बताओ आप, तो ये नहीं बता, 2 मिनट रुक जाओ, मत बताओ। हमारी ना, मेरी मोस्टली सारी सिस्टर्स डॉक्टर्स है, तो भाई सारे मोस्टली इंजीनियर्स हैं, तो वो डॉक्टर सारी और वो फ्रेंड्स भी बड़ी नेचुरली डॉक्टर्स थी, तो और सारी आके चल यार शादी हो गई मिलने आ रही हैं, खाने पे आ रही हैं, तो ये बंदा देखो, बंदा कितने गया कभी मंजे के नीचे, मैं कहा ये क्यों, फिर अरे इतनी शर्म आती थी, फिर कहते अच्छा अच्छा ठहर, मैं ना बाथरूम में जा रहा हूँ, क्या नहा रहे हैं, चली जाए, मैं क्या कितनी देर नहाओगे, मैं क्या नहाते रहोगे, बाहर आना पड़ेगा, बाथरूम में ना नहा नहीं रहा हूँ, कपड़े कुपड़े पहन के वैसे ही खड़ा हूँ ऐसे करके, बाहर जोर दौड़ दौड़ जोर जोर से बाहर निकलो बाहर। आपको लग रहे हैं वही सिद्धू है जो बोलने नहीं देता किसी को, ये बोलता ही नहीं था, आउट हो जाते थे 100 से पहले, 90s में कितनी बार आउट हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए, अरे यार सेंचुरी बन गई तो बोलना पहने माइक दे अगे, नहीं आउट हो जो। What a rainy day! Oh, मैं ना आज तो भीगते भीगते बच गया भाई। छाता खोल लेते? नहीं वो छाते में छेद है एक्चुअली, इससे नहीं खोला। छेद वाला छाता क्यों रखा आपने? मुझे थोड़ी पता था यार बरसात हो जाएगी। इट्स ए नेचर कॉल, मेरा थोड़ी कंट्रोल है इसके ऊपर। भाभी जी। नमस्कार। नमस्ते, आई एम डॉक्टर मिशेल ग्लैडी। मैं अभी निकालती हूँ आपकी डॉक्टरी, आई थिंक झूठे मूठे डॉक्टर हो। नहीं नहीं, देखा है आपको क्या करते हो आप? नहीं नहीं, आई एम TTBH। अच्छा वो कौन सी डिग्री हुई? TTBH थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ। सिद्ध साहब लेट्स मी चेंज द टॉपिक, मुझे पता था भाभी जी आने वाली, तो मैं अपनी वाइफ साथ में ले आता। आपकी वाइफ कहाँ जाएंगी, 20 साल पहले तो भाग गई आपको छोड़ के। भागी नहीं है वो, चल के गई, ऑटो पकड़ा उन्होंने। बस थोड़ी सी वो नाराज होके गई है, बस थोड़ा सा ये है कि पाजी आदमी बिना राशन लाए तो हाँ, कभी राशन ना लेके आए और जाके घर में पूछे खाने में क्या बनाया, तो बीवी तो नाराज होगी कि नहीं? बिल्कुल, बीवी तो पिटाई करेगी। नहीं इस मामले में बहुत बेशर्म थी वो। मैं पूछती थी क्या बनाया, तो कहती थी तली वाली हवा बनाई है। उसको तो बस वही प्रॉब्लम थी जो हर वाइफ को हस्बैंड के साथ होती है, टाइम की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। सिद्धू साहब, अरे सिद्धू साहब तो यहाँ बैठे हैं।
मेरे को इधर लगा हुआ है ना, चल रहा है काफी टाइम। डॉक्टर साहब सारा टाइम तो फ्री रहते हो, अपनी जुए निकाल के गिनते रहते हो, टाइम बीवी को नहीं दे सकते थे आप? नहीं नहीं समझे नहीं, सारा टाइम मैं उसको देता था, यही प्रॉब्लम थी। तो ज्यादा टाइम दे दिया? हाँ, उससे सहा नहीं गया। बट मैं भाभी जी एज ए डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, मैं उसको स्पेस देता था। अच्छा। मैं ना उसको मैं बताता था मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं इस दीवार के पीछे छुप जाता था, खड़ा रहता था मैं। वो थी बड़ी चंटू, ऊपर से देख लेती थी, बस बताती वो भी नहीं थी कि मैंने देख लिया। सारी सारी दोपहर मैं खड़ा रहता था जी, इस लेडी ने मुझे बताया नहीं कि मैंने देख लिया, मैं गर्मी में सड़ रहा हूँ, ये देख लिया। फिर एक दिन बिना बताए ना चली गई, चले गए। ये वाली बात तो जब मेरी शादी हुई ना, तो जब लड़ाई होगी तो इनका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनको कंप्यूटर्स ये कुछ भी दे, इनको ABC नहीं पता। आप इनका टीवी शीवी तोड़ दो, ख़राब कर दो, इनको कुछ नहीं पता कैसे लगाना है। तो जब मेरे साथ लड़ाई हुई, मैं कह ये बंदा बड़ा बिजी बैठा है, कैसे टीवी देख रहा है। लड़ाई मेरे साथ हुई है, मुझे मनाए, मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ। अच्छा। मैंने बाहर जाके सारी तारे तूने खींच दी, सारे अखबार वूर पार कर दिए, बेचारा थोड़े देर बाद बोर हो गया, इसको तार लगानी नहीं आती अभी तक टीवी। अच्छा भाभी जी, कुछ नहीं आता इसको, तार लगाने नहीं आती। मैं टीवी में क्या नहीं हूँ, तार लगानी नहीं आती। अरे तो उसमें क्या हो गया भाभी जी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बट मैं कर रहा हूँ। उसमें क्या है भाभी जी, भाभी जी कोई नहीं, RGBG। RGBG क्या? बात गई बात गई, इतना नहीं पता तुमको। बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज है, मैं आपके टेस्ट करना चाहूंगा। मेरे मतलब आप, आई वुड लाइक टू डू जोड़ों का टेस्ट करना चाहूंगा। वो बिल्कुल फिट है, वो क्यों जोड़ों का टेस्ट करेंगे आप? नहीं फिट नहीं है, घुटना दुखता है। अच्छा। नहीं नहीं मैं जोड़ों का टेस्ट करना चाहूंगा। करो जी। अगर आप नकली निकले तो मैं अंदर करवा दूंगी, मंत्री हूँ। जोड़ों का टेस्ट मतलब अगर आपने गलत किया ना तो मुझे पता है। देखिए जोड़ों का आप अकेले अकेले का टेस्ट नहीं करते। वो तो मैं इसको भी कह देती हूँ कि मुझे कभी टॉर्चर करने की कोशिश की तो पंजाब पुलिस बुला के अंदर करवा दूंगी। आप देख लो, ओ बस करो तू। अगर सिद्धू साहब मुझे लगता था आप ही बहुत ज्यादा बातें करते हैं, पर मैडम तो कमाल है, हमें मुद्दे पे नहीं आने दे रहे। हमें मुद्दे पे नहीं आने दे रहे। बट आई मस्ट से बी आई हैव ए बिजी डे एंड इट इज अ रेनी डे, और बाहर पीछे बहुत पानी इकट्ठा हो गया, मैं किश्तियां बनानी है मुझे जाके। सो सिद्धू साहब Have apple a day, keep the doctor away. Yeah. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates